तस्वीर गुज्जर आंदोलन की है, गुज्जर महासम्मेलन की है, और तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पंडाल सुबह खाली था अब वो पूरी तरह से खचाखच भर चुका है। हर जगह लोग ही लोग मौजूद आ रहे हैं, तमाम दूसरे गांव से दूसरे इलाकों से लोग यहां पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम दूसरी जगहों से भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं भारी संख्या में, कोई ट्रैक्टर के साथ आ रहा है तो कोई ट्रेन और बसों में यहाँ पर आ रहा है। हेडलाइंस यूपी आपको दिखा रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की फिजाएं बदल रही हैं, यानी 2019 की जो तस्वीर है वो कैसी होगी, क्योंकि अब गुज्जरों ने भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि बसों के ऊपर भी गुज्जर लगातार चढ़े हुए हैं, वहाँ पर भी वो दिखाई दे रहे हैं किस तरह से लोग मौजूद हैं। और जोश आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से, हालांकि ये करना ठीक नहीं, चोट लग सकती है किसी को भी, बस टूट सकती है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कुछ देखा नहीं जा रहा है, जोश ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और एक ही नारा यहाँ पर आ रहा है, गुज्जर गुज्जर, जब सवाल पूछा जाता है तो वो भी यही बात कहते हैं कि सिर्फ गुज्जरों के एकता की बात होती है, बाकी और दूसरी कोई बात नहीं। और लोग लगातार जुट रहे हैं, अपना अपना यहाँ पर जोश देखने को दिखाई दे रहा है कि कितना ज़बरदस्त जोश लोगों में यहाँ पर है। और आज लोग या कहें कि युवा, ये गुज्जर पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है जो यहाँ पर पहुँची है, और हर कोई, इधर भी आप देख सकते हैं भी भाई यहाँ पर आए हैं तमाम गांव से, लोग लगातार जुट रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और जिस तरीके से विक्ट्री का साइन। हाँ जी बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे भाई? पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है, अपना सारे गुज्जर भाई हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई हैं अपने भाई, यहाँ जिले में इकट्ठे हुए अपनी एकता दिखाने के नाम के, अपनी ताकत, गुज्जर एकता जिंदाबाद। और भाई एकता जिंदाबाद। भाई एक और बात सुन, सहारनपुर में फूफा गुज्जर बोल ले, हल्की तो समझा फाड़ दे। गुज्जर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से भाई, और आप देख सकते हैं तमाम लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए जी? हरियाणा से आए जी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा कुरुक्षेत्र, कैथल से आए, कुरुक्षेत्र से आए, कैथल से। क्या आपने देख सोचा था कि ऐसी तस्वीर नजर आएगी, भारी भरकम संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे? इससे ज्यादा जुटेंगे, अभी तो आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है ये, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिंदाबाद के नारे लगाए, और युवा, सबसे बड़ी बात कि देश के जो युवा है भारी भरकम संख्या में वो यहाँ पर लगातार जुट रहा है, उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, तो कोई दूसरे राज्यों से यहाँ पर आ रहा है, हरियाणा से भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। और तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से कोई बसों पे है, कोई नीचे है, कोई बुलेट पर है, कोई ट्रैक्टर पर है, लेकिन भारी संख्या गुज्जरों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको कैसे लगते हैं। नोएडा से आप, नोएडा से आए हो? मैं मेरठ से आया हूँ, लेकिन नोएडा तक के हाथ में आयो, और जरूरत पड़ी तो राजस्थान हरियाणा तक का, जम्मू कश्मीर तक का हाथ में आओगा। और हमें बड़ी खुशी है यहाँ देख के, कई क्षेत्र के और दूर दूर के बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हमें दुख है कि हमारे सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया, ठीक है, उसे छोटा सीएम बनाया गया, उसका बहुत बड़ा दुख है। जितना गुज्जरों ने संघर्ष किया, जितना गुज्जरों ने योगदान इस कांग्रेस पार्टी को दिया, लेकिन इसको सचिन पायलट के साथ हमेशा हैं, रहेंगे, राजेश पायलट जी के साथ थे, लेकिन अब के आने वाले चुनाव में आप सभी सोचेंगे कि हमें करना क्या। गांधी और मोदी के साथ में से किसके साथ है? मोदी और राहुल के, गांधी के साथ में देखेंगे। हमें यूपी में भी योगी ने कुछ नहीं दिया गुज्जरों को, 7 MLA होने के बाद में कुछ नहीं दिया योगी भी। मुख्यमंत्री का चेहरा थे लगातार, यही बात अगली बार गुज्जर की सरकार आएगी और कोई नहीं रोक सकेगा, गुज्जर की सरकार आएगी और कोई। गुज्जरों में आज बहुत बहुत जबरदस्त जुनून दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।